नूरी नत कैसे आप सलाकुम जी ठीक ठाक बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा ये बताएं कि क्या नूरी नथ का कैरेक्टर आप ज, जैसे आप हैं वैसे ही है या कोई फर्क था

मुझे लगता था वो एज एन एक्टर आई ऑलवेज थिंक के जो मैं रोल्स करता हूँ उसमें बेहतर कर सकता हूँ मैं लुक बैक करते हैं और अमेरिका गए थे आपनेGamma में जाकर प्रोग्राम किया इन द सेंस आपने वहाँ उनकी चागिर्दी इफ से क्या किया कुछ बताएंगे देखिए uh, बेसिकली जी आई आई डोंट से आई वाज अ बोर्न मुस्लिम आई थिंक आई वाज अ मुस्लिम बाय चॉइस सो जब मुझे एहसास हुआ इल्मी तौर पे कह रहे सारी बातें ठीक हैं नबी रसूल किताबें अल्लाह ताला फिर डे ऑफ जजमेंट मरने के बाद जन्नत दो जखी तो सब ठीक बातें हैं uh -huh. तो वो कलमिनेशन उसकी हुई अराउंड 2017 uh -huh. 18 तो गांधी साहब वो इंसान हैं जिनकी वजह से मुझे इस्लाम की जो 30 परसेंट बातें पल्ले नहीं पा रही थी समझ नहीं आ रही थी वो उन्होंने बड़ा कंक्लूसिवली मुझे उसका जवाब वहाँ से मिल गया इंटरेस्टिंग सो so, जो जवाब मैं समझता हूँ मुझे ट्रेलर की सूरत में लगे कन्विंसिंग और मिले तो उनकी ज़रा पूरी फिल्म देखने के लिए जो है फिर गांधी साहब के साथ मैं पढ़ने गया गांधी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग डेलस में एंड आई थिंक मैं बड़ा फ्रीकुंटली मैं जाता भी रहूँगा एंड आई ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट इन वट एवर वे आई कैन बिकॉज वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिश है विद इन द सर्कल्स ऑफ रिलीजन टू बी इन जनरल एंड इस्लाम टू बी स्पेसिफिक अच्छा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपके व्यूज़ ऑन वुमेन स्पेशली समटाइम्स यू नो कल्चर स्पेशली वो देखे जाते थे एज बीइंग सम

लेकिन जब आप कोशिश करते हैं कि हर तरह के बायस से पाक हो कि अल्लाह ताला की बात देखें कि उन्होंने क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमारे तक दीन पहुंचाया है तो फिर आपको ना कभी कभी अपना मेल शॉबनजम बड़ा क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाता है सो so, अल्लाह ताला के पैगाम के मुकाबले में मेल शॉबनिज़म को जब आप साइड पर करते हैं uh -huh. तो लिटरली वो बातें हैं कि जो एक दयानतदारी से अगर लेफ्टिस्ट भी देखेगा वो यार बात तो बड़ी सही लग रही है मुझे और अगर राइटिस्ट भी ज़रा बायसे से पाक होकर देखेगा तो कह okay, गया यार बात ठीक लगी सो so, आई थिंक पहले जब अल्लाह ताला के मामले में इतनी क्लैरिटी नहीं थी इलमी तौर पे तो कभी कभी मेरा अपना मेल शोविनिज्म बाहर आता था लेकिन आई यूज्ड टू थिंक के ये रिलीजन एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी प्रेवलेंट प्रॉब्लम इट इज अच्छा ये बताएं आफ्टर शादी हाउ इज इट गोइंग हैप्पी यस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इमेंसली हैप्पी आई मुझे तो लगता है मेरी शादी खुद अल्लाह कराई है मैंने सिर्फ नीयत की थी कि अल्लाह मैं तोबा करना चाहता हूँ जिंदगी में हाँ। मैं जो है आपकी बात करना चाहता हूँ और मेरा ख्याल जब आप अल्लाह ताला की बात, करें, उनके दीन की बात करें तो किसी किस्म की भी अगर आप में इखलाकी बुराई पाई जाए तो अल्लाह फिर सजा दीजिए करनी थी मेरे अंदर बहुत इखलाकी बुराया थी मेरे अंदर अच्छा। थी इसमें कोई शक नहीं है मेरे अंदर बहुत अखलाकी बुराइयाँ थी मुझे बहुत काम करना पड़ा कहते हैं कि दीन Allah ka deen, 99% of the time, आप अपने आप कह ठीक करो mm. अपने आप में चेंज ला। right. आगे से मुझे पार्टनर भी जैसा मिला मैं वैसे बड़ा हूं, मेरी में जिस तरह मेरी माँ है मेरी बहन है लेकिन उसके ऊपर से बीवी mm. भी ऐसी मिल जाए mm. कि जो आप uh, मैं तो अल्लाह का बहुत ड्रामा

चाहे वो नून लीग हो चाहे पीपीपी पी पी हो चाहे पीटीआई हो बिकॉज आप वो मैं बड़ा ध्यानदारी से बता रहा हूँ क्योंकि जब आप पाँच साल पूरे करने देते हैं तो फिर अवाम किसी ओपिनियन को जेनुअली कायम करने की पोजीशन में होती है कि हाँ। यार बंदे ने परफॉर्म किया कि नहीं किया तो पूरे नहीं करने दिया टाइम आपने चार साल भी नहीं हुए तीन साल आठ हाँ, में तो इसलिए मैं बेग करता हूँ लोगों से कि इस सोच को सपोर्ट करें कि भाई जो भी आ गया है चाहे वो अच्छा लगता है चाहे वो बुरा लगता है

Because the older generation is always the fittest one. अच्छा ये बताएं. Any chance of going back to the? And store? by the way, uh, just in case, if you're wondering. Oh wow! You should check it. Wow! You should तो तो पिक्चर लेनी चाहिए. Because This is how heavy is it? It's not heavy. अच्छा ये तो तो toy वाले. This is the lighter one, Joe. So Next, it's not really mola jacket. If you think about it, it's toy mola jacket at the end of the day. हाँ <laughs> Exactly. अच्छा ये बताएं. Do you ever think you'll go back to the small screen? Yes, I love the small screen. अच्छा okay. Uh, प्लस मेरा एक और भी डिलेमा है में कि नाव आई एम कॉन्शस मुस्लिम आई वॉन्ट टू एक्ट एंड वर्क विद इन दो अल्लाह तक सेट की uh, और वो बाउंड्रीज ज्यादा फॉलो टी वी में हो रही है फिल्म में नहीं हो रही uh -huh. फिल्म में फिर हम कहते हैं यार ग्लैमर आए तो फिर हम कहते हैं यार ये भी दिखाओ ये भी दिखाओ ये हाँ, भी दिखाओ तो आई थिंक वो उस दायरे में रहना जो अल्लाह तकर किए हैं वो टीवी के अंदर अभी भी बहुत हद तक पॉसिबल है

बड़े उस वक्त खराब थे अभी भी हैं वो तो हमेशा इंडिया पाकिस्तान के हालात अजीब से ही रहते हैं लेकिन उसके अंदर भी अगेन कुछ ऐसे सीन्स थे जो इवन उस वक्त उस वक्त आई थिंक मुस्लिम बट उस वक्त भी वो कुछ तो नाम बेबी था ना तो आई नाम बेबी था <laughs> अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद मैं नहीं कर सकता था अब तो खैर बिल्कुल भी नहीं कर सकता खलील रहमान उनकी और चीज़ें देखें ओपिनियन साइड

मायाली मायाली आई थिंक इजी गोइंग इज 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 वेरी इजी गोइंग फवाद खान फवाद खान वेरी फ्रेंडली आई थिंक एंड मौलाजट के लिहाज से सॉरी थोड़ा लॉन्ग आंसर हो जाएगा मौलाजाट के लिहाज से रियली really नीडेड

आ, लेकिन मेरा ये बिलीफ है कि अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ा क्लियरली बताया कि अगर अल्लाह ने कोई मुश्किल लिखी है तो उसको कोई हटा नहीं सकता और अगर अल्लाह ताला ने कोई आसानी लिखी है तो उसको भी कोई नहीं हटा सकता कोई भी मुश्किल पेश आती है अल्लाह ताला की इजाज़त से आती है सो आई थिंक अल्लाह बिलीफ होना चाहिए लास्ट टू क्वेश्चन अगर माहिरा को आपने एक uh, you know, बताना होता कुछ बड़े पंजाबी वजू से नहीं उस इन पंजाबी बता हाँ, आपने उनको एक भेजना है मैसेज थ्रू आस इन पंजाबी व्हाट वुड यू से टू भाई तू सी बड़ी चंगी पंजाबी बोली है तो तानू बिल्कुल पंजाबी नहीं सी आंदी है लेकिन तू तो सी बड़ी मेहनत करके तो बड़ी ही जबरदस्त पंजाबी हां वैसे आई हैव टू मी बड़ी चीप पंजाबी उन्होंने बोली है फॉर समबडी हु कुडंट स्पीक इन पंजाबी कुडंट स्पीक एट ऑल लास्ट क्वेश्चन फेवरेट बुक कुछ डिसाइड किया आपने यार मेरा क्योंकि पिछले 2.5 साल कुरान पढ़ते हुए गुजर रहे हैं तो उस वक्त मेरी फेवरेट वही है और आपके पीछे